आज इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन हेतु कपड़ा मिलों की ओर से निकाली जा रही झांकियों में बारिश ने खलल डाल दिया है। दरअसल झांकी निकलते ही तेज बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश से भी मिल श्रमिकों का उत्साह कम नहीं हुआ। झांकियों का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। वहीं लोगों ने झांकियों का कारवां जल्द ही शुरू किए जाने पर आपत्ति भी जताई है। हालांकि अफसरों का कहना है कि बारिश को देखते हुए झांकियों का कारवां जल्दी शुरू किया गया। दरअसल शाम 6 बजे ही तमाम प्रशासनिक अधिकारी झांकी का पूजन करने खजराना गणेश मंदिर पहुंच गए थे और जल्द ही झांकियों का कारवां शुरू कर दिया गया। कलेक्टर लोकेश जाटव, SSP रुचि वर्धन मिश्र, निगम आयुक्त आशीष सिंह ने खजराना गणेश और नगर निगम की झांकी का पूजन किया। अधिकारियों ने IDA CEO विवेक क्षेत्रीय, ADM अजय देव शर्मा, BBS तोमर के साथ IDA की झांकी का भी पूजन किया। बता दें कि पूरे झांकी मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लगभग 3000 पुलिस कर्मियों को पूरे जुलूस मार्ग पर लगाया गया है। झांकी बंद की गई है, मिल की झांकी की लाइटें बंद की गई है, क्या कारण है और क्यों बंद की गई है? हमने शासन प्रशासन से निवेदन किया था कि झांकी समय पर निकाल दे। अभी मैं पूरा झांकी मार्ग घूम के आ रहा हूँ, कई जगह खाली पड़ी है, कई जगह खाली पड़ी है, एक एक दो दो अखाड़े की जगह खाली पड़ी है। शासन प्रशासन के कोई दिख ही नहीं रहे थे। कईयों को मैंने कहा भैया आगे बढ़ाओ, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। बिना डंडे के शासन प्रशासन नहीं चलता है। अब इनको करना चाहिए। अब देख लो, हमारी गाड़ी खड़ी है, हमने लाइट बुझा दी। अब आप कहोगे तो बिना लाइट बुझी में ही ले जाएंगे, क्या करो? अब आप लोग तो कुछ 50 बार मीटिंग कर ले कलेक्टर साहब से, SP साहब से, वो होना वही है, कांकड़े के 3 पत्ते। विरोध कर करके हम करें क्या? शासन प्रशासन तो जो अपने हिसाब से करना वही करना है। अभी मैं श्रम शिविर के आगे तक हो गया, कितनी जगह खाली पड़ी है, पर वो क्या पता कौन सी रीति नीति कौन सी पॉलिसी से शासन प्रशासन काम करता है का। अभी झांकियाँ मैंने लाइट बुझवा दी है, बंद कर रखी है,
डीजल खत्म हो जाएगा तो कोई डीजल देने आएगा नहीं। अध्यक्ष मालवा मीर गणेश उत्सव समिति। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।